रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम की स्क्वाड की बात करें तो स्टार्ट करते हैं बैंगलोर टीम के बैट्समैन से एस प्रभुदेसाई जिन्हें 30 लाख में रिटेन किया गया, विराट कोहली जिन्हें 15 करोड़ में रिटेन किया गया, फैब डुप्लेसी जिन्हें 7 करोड़ में रिटेन किया गया, दिनेश कार्तिक जिन्हें 5.50 करोड़ में रिटेन किया गया, फिन एलन जिन्हें 80 लाख में रिटेन किया गया, रजत पटीदार जिन्हें 20 लाख में रिटेन किया गया, अनुज रावत जिन्हें 3.40 करोड़ में रिटेन किया गया। अब बात करते हैं बैंगलोर टीम के ऑलराउंडर्स की। महिपाल लोमर जिन्हें 95 लाख में रिटेन किया गया, ग्लेन मैक्सवेल जिन्हें 11 करोड़ में रिटेन किया गया, शाबाद अहमद जिन्हें 2.40 करोड़ में रिटेन किया गया, डेविड वेली जिन्हें 2 करोड़ में रिटेन किया गया, वनिंदु हसरंगा जिन्हें 10.75 करोड़ में रिटेन किया गया, मनोज भांडगे जिन्हें ऐड किया गया 20 लाख में, विल जैक जिन्हें ऐड किया गया 3.20 करोड़ में, सोनू यादव जिन्हें ऐड किया गया 20 लाख में। अब बात करते हैं बैंगलोर टीम के बोलर्स की। आकाशदीप जिन्हें 20 लाख में रिटेन किया गया, मोहम्मद सिराज जिन्हें 7 करोड़ में रिटेन किया गया, करण शर्मा जिन्हें 50 लाख में रिटेन किया गया, जॉस हेजलवुड जिन्हें 7.75 करोड़ में रिटेन किया गया, हर्षल पटेल जिन्हें 10.75 करोड़ में रिटेन किया गया, सिद्धार्थ कौल जिन्हें 75 लाख में रिटेन किया गया, अविनाश सिंह जिन्हें ऐड किया गया 60 लाख में, राजन कुमार जिन्हें ऐड किया गया 70 लाख में, रीस टोपली जिन्हें ऐड किया गया 1.90 करोड़ में, हिमांशु शर्मा जिन्हें ऐड किया गया 20 लाख में। तो ये थी टीम रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की स्क्वाड की इस साल होने वाले आईपीएल 2023 के लिए। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की आईपीएल परफॉर्मेंस की बात करें तो 15 आईपीएल सीजन में से 8 बार आईपीएल में प्लेऑफ किया है, जबकि 3 बार के फाइनलिस्ट रही आईपीएल हिस्ट्री में। आपको क्या लगता है, बैंगलोर की टीम क्या इस बार आईपीएल 2023 की ट्रॉफी जीत पाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।